Hello everyone, welcome back to Professional Knowledge Hub. Our today's topic is regarding the notification issued by Ministry of Corporate Affairs as on 30th April 2019 regarding the extension of the date of DPT-3. So, ये notification MC ने issue किया है as on 30th April 2019 को. तो इससे पहले ये जो notification है वो in continuous to the notification issued by the MCA as on 22nd जनवरी 2019. सबसे पहले DPT-3 के रिगार्डिंग ओरिजिनली जो नोटिफिकेशन आया था, सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन जो एमसीए का आया था वो 22 जनवरी 2019 को आया था. उसके बाद एमसीए ने 30th अप्रैल 2019 को एक अलग नोटिफिकेशन दिया है जिसमें एमसीए ने DPT-3 की डेट एक्सटेंड कर दी एंड जो इन्फॉर्मेशन सबमिशन डेट थी वो भी एक्सटेंड कर दी. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन में जो डेट थी वो क्या है. तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो हमारा था वो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो हमारा है आपका 22 जनवरी 2019 का 22 जन 2019 का नोटिफिकेशन आया था. एंड एज पर दिस नोटिफिकेशन एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेल फाइल वन टाइम रिटर्न ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन बाय अ कंपनी बट डज नॉट कंसिडर एज अ डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ क्लोज सी ऑफ सब रूल वन ऑफ रूल टू फ्रॉम द पीरियड 1st अप्रैल 2014 टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट. इट मीन्स आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होगी फॉर्म में, जो आपका रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन है कंपनी का, वो आपको सबमिट करना था 1st अप्रैल 2014 से लेके टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट. इट मींस कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग है 1st अप्रैल 2014 से लेके टिल 22 जनवरी 2019 तक अगर आपका कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो आपको उसका इंफॉर्मेशन DPT-3 में सबमिट करना था. लेकिन अभी जो एज पर 30th अप्रैल 2019 को एमसीए का जो नोटिफिकेशन आ गया है उसमें जो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट है इसको रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट कर दिया है इसको बाय 30. यहाँ पे आप देख सकते हो इसको रिप्लेस करके द वर्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट द फिगर द लेटर्स एंड द वर्ड्स 31st मार्च 2019 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. मींस अभी जो आपका फिगर जाएगा जो रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन आउटस्टैंडिंग है आपका फ्रॉम द पीरियड 1st अप्रैल 2014 टू 31st मार्च 2019. तो एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट 30th अप्रैल 2019 कंपनी ने कोई भी एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एक वन टाइम रिटर्न फाइल करना होगा अगर उनका आउटस्टैंडिंग कोई भी अमाउंट रिसीव किया है अदर देन डिपॉजिट्स, तो उनको DPT-3 में इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी. पीरियड जो होगा वो 1st अप्रैल 2014 से लेके 31st मार्च 2019 होगा. सेकंड अमेंडमेंट जो आया है वो ये है, ओरिजिनल देखते हैं ओरिजिनल क्या था. ड्यू डेट फाइलिंग करने का ओरिजिनल जो डेट था DPT-3 फाइल करने का, इसकी ड्यू डेट थी DPT-3 विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन. इट मींस 90 डेज जो हमें काउंट करना था वो 22 जनवरी 2019 से करना था एज पर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन. लेकिन एज पर द एमसीए जो न्यू नोटिफिकेशन आया है 30th अप्रैल 2019 को, तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेड पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन द वर्ड फिगर एंड द लेटर 90 डेज फ्रॉम 31st मार्च 2019 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. इट मींस अभी जो आपका 90 डेज काउंट होगा वो 22 जनवरी 2019 से नहीं होगा, अभी आपका 90 डेज 30th मार्च 2019 से होगा. तो अब जो ड्यू डेट हो गई आपकी DPT-3 फाइल करने की वो 29th जून 2019 हो गई. तो दो क्लेरिफिकेशन आ गया एमसीए नोटिफिकेशन से, एक आपको इन्फॉर्मेशन सबमिशन जो होगी वो पीरियड होगा आपका 1st अप्रैल 2014 से लेके 31st मार्च 2019 तक की आपको इन्फॉर्मेशन देना है. सेकंड
जो आपको फाइल करना होगा वो 90 डेज के अंदर अंदर करना होगा फ्रॉम 31 मार्च 2019। इट मीन्स द ड्यू डेट जो होगी वो 29 जून 2019 होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीए नोटिफिकेशन इश्यूड बाय एमसीए एज ऑन 30th अप्रैल 2019। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि ऑडिटर सर्टिफिकेट जो अटैच हम करेंगे DPT 3 में, तो उसके में जो हम अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन या फिर कोई भी रिसिप्ट अगर कंपनी ने किया है अदर देन डिपॉजिट्स, तो उसको कैसे कैसे सबमिट करना होगा एंड हर एक ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज हब। थैंक यू, होप यू लाइक इट।